वेलकम टू अमेजिंग क्लासेस। आप लोग के सामने फिर से मैथ का नया टॉपिक एरिया लेके आया हूँ, जो पॉलिटेक्निक, एसएससी, रेलवे और सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन से कंसेप्ट को सीखते हैं, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं और जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3:4:5 एंड इट्स पेरीमीटर इज 144 सेंटीमीटर द एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखिए, अब तो क्वेश्चन हिंदी में नहीं लिखे, लेकिन समझाएंगे तो आप समझिएगा, तो हिंदी में भी समझ जाइएगा, ठीक है। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है, जैसे मान लीजिए ये 3 है, यानी कि 3x मान लेते एक साइड, दूसरा साइड है 4x और ये 5x, ठीक है। ये साइड है, मतलब क्या बोलते हैं हिंदी पता नहीं है, लेकिन इसका लेंथ जो इतना है, इसका लेंथ इतना है, इसका लेंथ इतना है, ठीक है। तो आप जब भी आप पेरीमीटर मतलब ये लेंथ जो होता है ना, पूरा आउटर सर्कम, आउटर एरिया, इसको बोलते हैं पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कितना दिया है, पेरीमीटर दिया है 144, ठीक है। तो पेरीमीटर 144 दिया है, तो हम जानते हैं कि जो साइड का, साइड जो होता है वो क्या पेरीमीटर होता है। तो सबको प्लस करेंगे तो 3x प्लस 5x प्लस 4x इक्वल टू 144, तो यहाँ से 12x इक्वल टू 144, तो x इक्वल टू आपका कितना हो गया 12, x इक्वल टू 12 हो गया। तो 3x की जगह क्या हो जाएगा, 3x यानी कि 3x जो साइड है, 3x इस साइड जो है कितना हो जाएगा, 36 हो गया, एक साइड 36 हो गया, ये कितना हो गया 60 हो गया, और ये कितना हो गया 48 हो गया। तो हमको आपको पता चल गया, तीनों साइड आप आसानी से निकाल लिए। अब क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। तो एक फार्मूला होता है जिसको बोलते हैं हीरो फार्मूला क्या होता है, इसमें एरिया निकालने के लिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के एरिया निकालने के लिए काम आता है। यदि अंडर रूट s - a, s - b और s - c। अब s कैसे निकालते हैं, s होता है सेमी पेरीमीटर, s को क्या बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, मैंने साइड जो होता है, जैसे a हो गया प्लस b हो गया प्लस c हो गया बाई 2, मैंने साइड हो गया ट्राइंगल का। तो साइड कितना हो गया, दैट इज 36 प्लस 60 प्लस 48 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, दैट इज जोड़ लीजिए आप, तो इसको तो पता ही था, तो 144 आएगा डिवाइडेड, दैट इज 72। ये जो सेमी पेरीमीटर हो गया 72 आ गया। अब ट्राइंगल निकालना है तो 72 क्या करेंगे, यहाँ पर s का वैल्यू 72, अब मान लीजिए a कितना है 36 है, तो 72 माइनस 36 36, अब b माइनस करेंगे, b मतलब b कितना है 60 माइनस करेंगे तो 12, और अगर c 48 माइनस करेंगे तो 24। तो देखिए 36 इसमें कॉमन आ जाएगा, 36 को बाहर निकाल लेंगे, 36 को पूरा बाहर निकालेंगे कितना आ जाएगा 6, मान लीजिए इसको 36 कर लेते हैं, 36 × 36 × 24 × 24। अब अगर रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक हो जाएगा, तो 36 × 24 इंटू कीजिएगा तो 864 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन डी है। और जो यूनिट होता है एरिया का, वो मीटर स्क्वायर होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, इसका दो साइड होता है वो इक्वल होता है, और ये बेस होता है, इसको साइड बोलते हैं, ये एंगल जो होता है थीटा, और इस एंगल भी बराबर होता है, इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आप हिंदी में देख लीजिएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल को क्या बोलते हैं, इसका नोटेशन ऐसे ही होता है, ठीक है। दो एंगल बराबर होता है, दो साइड बराबर होता है, बेस होता है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि एरिया हम कैसे निकालते हैं। तो एरिया जब भी निकालेंगे, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल निकालेंगे तो 1/4 b अंडर रूट 4a² - b²। तो यहाँ पर b क्या है, बेस है, एक साइड इक्वल साइड मान, तो 1/4 b क्या है, b यहाँ बेस है, बेस कितना दिया हुआ है, बेस दैट इज 24 अंडर रूट 4a कितना दिया हुआ है, मतलब इक्वल साइड 13² - b दैट इज 24² यहाँ से कैंसिल हो गया, 6 हो गया, यहाँ 4 × 13² 169 - 24² 576। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 6 अंडर रूट
इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 676 माइनस 576, और इसको हो जाएगा 6 अंडर रूट 100। तो रूट 100 का स्क्वायर रूट कितना था, 10, 6 इंटू 10 दैट इज 60 आपका आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कि एरिया आइसोसेलस ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, तो फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, रेक्टेंगुलर ग्रासी प्लॉट इज इतना मीटर इतना, ठीक है। तो मान लीजिए कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है, इसका लेंथ जो है 110 है और विड्थ जो है वह 65 है, ठीक है। इट हैज़ यूनिफॉर्म पाथ ऑफ 2.5 मीटर विड्थ ऑल अराउंड इट इनसाइड। अब इनसाइड बोल रहा है तो इनसाइड जो है इनसाइड बाउंड्री हो जाएगा, ठीक। इनसाइड बाउंड्री दे दिए, कितना हो गया इसका विड्थ जो है, विड्थ मान लीजिए 2.5 दिया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो द एरिया ऑफ पाथ, इस पाथ का एरिया निकालना है, इस पाथ का एरिया निकालना है, ठीक है। तो आप तो डायरेक्ट फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं इसको, ठीक है, या तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे, पहले तो एरिया प्लॉट निकाल लेंगे, ठीक है, एरिया आप प्लॉट निकाल लेंगे। एरिया प्लॉट कितना हो जाएगा, 110 इंटू 65 जो भी होगा दैट इज इतना होगा, ठीक है। सिंपल बता रहे हैं प्रोसेस क्या होता है, एरिया प्लॉट हो गया, फिर एरिया प्लॉट एक्सक्लूडिंग पाथ, पाथ को छोड़ के मतलब इसका अंदर वाला बात करेंगे, मैंने इसका एरिया निकालना, इसका अंदर वाला का, इसका एरिया निकालना है, पार्ट टू का एरिया टू का निकालना है। तो एरिया टू का निकालेंगे तो क्या होगा, ये तो 110 हो गया, 110 जब हुआ तो 110 दोनों तरफ माइनस होगा यानी कि 5 हो जाएगा। तो 110 माइनस 5 अब इंटू क्या होगा, इधर से भी 5 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करिएगा तो 105 इंटू 60 इसको सॉल्व करिएगा तो इतना आ गया। अब इसको हम सिंपल मेथड हो गया कि एरिया प्लॉट में अगर पूरा का एरिया में 2 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये बहुत ही टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, इसीलिए 850 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन इससे निकाल दिए तो आंसर आ गया, ये तो जनरल प्रोसेस हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका शॉर्ट प्रोसेस शॉर्ट ट्रिक कैसे यूज करते हैं। देखिए जब भी इनसाइड रहेगा, मान लीजिए पहले आउटसाइड का बात करते हैं, ठीक है, मान लीजिए ट्राइंगल है, ठीक है, ये हम किसी का दिया है, हमको एरिया इसका निकालना है जो आउटसाइड है, ये आउटसाइड का केस है, ठीक है। अगर आउटसाइड का केस रहेगा तो आउटसाइड का केस रहेगा, अगर मान लीजिए आउटसाइड बाउंड्री लेंगे तो आउटसाइड करेंगे तो लेंथ जो होगा, ये लेंथ है मान लीजिए, ये विड्थ, लेंथ इंटू ब्रेथ है, मान लीजिए विड्थ जो है, ठीक है, ये जो विड्थ है तो क्या करेंगे इसको, तो एरिया जब भी निकालेंगे तो लेंथ प्लस विड्थ प्लस लेंथ प्लस विड्थ प्लस विड्थ जो दिया हुआ है 2 × 2W। अगर इनसाइड का केस आएगा, अगर मान लीजिए इनसाइड का केस आएगा तो लेंथ प्लस ब्रेथ माइनस 2W × 2W। तो देखिए अब इनसाइड का केस है तो इनसाइड का केस इस ट्रिक को लगा सकते हैं। देखिए इस ट्रिक को अगर लगाते हैं तो एल कितना है, 110 प्लस विड्थ कितना है 65 माइनस 5 × 5 दैट इज कितना हो जाएगा, 110 प्लस 60 यानी कि 170 इंटू 5 जीरो 7 × 5 = 35 7 × 7 = 7 × 7 = 5 × 8 ठीक है। तो 850 जो हो गया आपका एरिया निकल गया, तो इस ट्रिक से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग रेक्टेंगुलर ग्राउंड एट इतना रुपीज पर मीटर स्क्वायर इन 900 इफ़ द लेंथ ऑफ ग्राउंड इज इतना, लेंथ ऑफ ग्राउंड होगा तो विड्थ क्या होगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इसका हमको एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया का क्या होता है, एरिया का जो यूनिट होता है मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ग्राउंड निकालने के लिए एरिया निकालना है ग्राउंड का, ग्राउंड का एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, जो भी पैसा लगा है 900 रुपया लगा है, कितना इस पर लगा, ये तो रुपीज़ हो गया। आप सिंपली हम फॉर्मूला नहीं जानते हैं तो रुपीज़ मीटर स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो रुपीज़ रुपीज़ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, पर मीटर है, पर मीटर स्क्वायर मैंने मीटर ऊपर चला जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 720 मीटर स्क्वायर। ये तो सिंपल है, आप अगर फार्मूला भी नहीं जानते हैं फिर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब भी हमको एरिया निकालना है तो रुपीज़ को अगर रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो मीटर ऊपर चला जाएगा तो एरिया निकल जाएगा। तो इसका फार्मूला सिंपल सा होता है कि एरिया ऑफ ग्राउंड निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट जो लगा है और रेट जो है, मतलब एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट जो लगा डिवाइडेड बाय रेट कर देंगे तो एरिया निकल जाएगा, ठीक है। जब एरिया निकल जाएगा तो हमको पता है एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो एरिया कितना है, 720 हो गया और लेंथ दिया हुआ है 30, तो विड्थ निकालना है तो बी इक्वल टू 720 बटा 30। तो
7 × 7, 3 × 6 और 3 × 4 यानी कि 24 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखें, अगर आपको फॉर्मूला भी नहीं पता होगा तो आप यूनिट का यूज़ करते हैं, मात्रा, जिसको मात्रक बोलते हैं, मीटर स्क्वायर जो भी है एरिया का, तो उससे आप निकाल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया जो होता है स्क्वायर का ये क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज, मान लीजिए बी दिया है तो बी स्क्वायर हो गया। फिर बोलता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल का बात करें, एरिया ऑफ ट्राइंगल इसमें बोलती है एरिया ऑफ ट्राइंगल विद बेस बी, यानी कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फिर बोलता है कि द एरिया ऑफ स्क्वायर विद साइड ए, ए साइड बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल विद बेस बी, देन द एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल, मतलब हाइट निकालना है, तो दोनों को इक्वेट कर देना है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 1/2 बी इंटू एच, बी से बी कैंसिल, दैट इज एट इक्वल टू 2b, एच इक्वल टू 2b ऑप्शन। अब देखिए रोम्बस, रोम्बस क्या होता है, पहले क्या करते हैं रोम्बस के कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। देखिए एक तरह का रोम्बस, रोम्बस क्या होता है कि जिसका तीनों साइड बराबर होता है, ठीक है, तीनों साइड बराबर है, ए और डायगोनल जो है, डायगोनल जो है आपस में परपेंडिकुलर में बाइसेक्ट करता है, सब डायगोनल ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। ठीक है, इसको मान लीजिए d1/2, इसको मान लीजिए d2/2। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, तो एरिया जो होता है रोम्बस का हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, जैसे मान लीजिए ए बी सी डी, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल मतलब मैंने बी डी इंटू ए सी। ठीक है, तो अब डायगोनल हो गया, अगर डायगोनल में रिलेशन देगा तो राइट एरिया निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए साइड और डायगोनल में रिलेशन क्या होता है, मान लीजिए ट्राइंगल इसको लेते हैं, ये वाला साइड को, ये वाला पूरा ट्राइंगल को लेते हैं, और इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको मान लीजिए ओ मान लीजिए, ठीक है, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी क्या है, ए बी मतलब ए स्क्वायर, और ओ ए क्या है, दैट इज ओ ए दैट इज डी टू बाई टू का होल स्क्वायर प्लस डी वन बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर हो गया इधर से इक्वल टू डी टू स्क्वायर बाई फोर प्लस डी वन स्क्वायर बाई फोर, तो यहाँ से क्या रिलेशन हो गया, डी वन स्क्वायर प्लस डी टू स्क्वायर इक्वल टू 4a2। तो आपको ये रिलेशन भी याद रखना है, ठीक है, और एरिया भी याद रखना है, एरिया क्या होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि मान लीजिए अगर जिसमें इस क्वेश्चन में देखिए एक साइड दिया, एक ट्रेंगल दिया, तो आपको साइड दिया है, ट्रेंगल दिया तो दूसरा सॉरी डायगोनल दिया तो एक डायगोनल निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए डायगोनल दिया है 24, ठीक है, तो मान लीजिए 24 का स्क्वायर कर दिए, ठीक है, तो d2 हमको निकालना है तो d2 निकल जाएगा, क्योंकि साइड भी तो दिया है, साइड 20 का स्क्वायर दिया, तो d2 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका 400 हो जाता है, 20 का स्क्वायर 400 × 4 दैट इज 1600 माइनस 24 का स्क्वायर दैट इज 576। ठीक है, तो d2 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, इसको माइनस कीजिएगा तो आएगा 10 24 आएगा, जो d2 का स्क्वायर होगा, ये किसका स्क्वायर है, ये 32 का स्क्वायर है, यानी कि 32 इसका d2 निकल गया। ठीक है, अब आपको एरिया निकालना है तो एरिया क्या करेंगे, डायरेक्ट एरिया क्या करेंगे, सिंपली एरिया इक्वल टू हाफ इंटू d1 इंटू d2 कर देंगे, तो हाफ हो गया, d1 कितना है, d1 क्वेश्चन में दिया था 24 और d2 कितना है 32 है, इसको कैंसिल कर दीजिए, 12 पर में चला गया, तो कितना हो जाएगा 12×24 384 आंसर हो जाएगा, तो 384 आपका आंसर हो गया। तो आपने देखा कि एरिया के क्वेश्चन किस तरह से करते हैं, और एरिया का क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा, और अगर अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो में वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, और आप सभी वीडियो को देखें और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखें और कंसेप्ट क्लियर करें, और एग्ज़ाम में आसानी से क्वेश्चन बना के आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। थैंक यू।